हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी। और ये डेस्कटॉप वर्जन है हमारे चैप्टर केमिस्ट्री का वन। चैप्टर वन है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा जी। अगर आप लाइफ में आगे साइंस ही कंटिन्यू करना चाहते हैं कि इलेवेंथ में आप साइंस ही लें और साइंस में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बिना इस चैप्टर के, यस मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, बिना इस चैप्टर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी केमिस्ट्री का बेस एकदम वीक होगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मतलब क्या आता है? केमिस्ट्री की भाषा, हाँ केमिस्ट्री की भाषा, केमिकल्स की भाषा। क्या है केमिस्ट्री, आइए समझते हैं। तो केमिस्ट्री इज नॉट अ मिस्ट्री। जब मैं पढ़ाऊंगा, यस जब सर तरुण रूपानी पढ़ाएंगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ये तो आप कहेंगे हम जानते हैं, बट ये किसकी स्टडी करता है? इट स्टडीज अबाउट मैटर, अर्थात हर वो चीज जो आपके आसपास है सब मैटर है। इवन तुम खुद, यस मेरे राइजिंग स्टार, तुम भी एक मैटर हो। तो ये मैटर क्या है, किससे बना है, क्या इसके नेचर होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, इन सब को स्टडी करता है। हाँ, आपके आसपास अनेक वस्तुएं हैं जो हर पल बदल रही हैं आपके आसपास, तो उन सब की स्टडी करता है। और अगली डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूल, क्योंकि ये बेसिक है पूरे केमिस्ट्री का। इसी पे आगे आप जा करके क्या करेंगे, ये समझ पाएंगे सब्सटेंसेस के टाइप, नेचर, और कैसे फॉर्मुलेस बनते हैं, रिएक्शंस बनते हैं, ये सब कुछ है इस चैप्टर में। तो चलिए पहले मॉलिक्यूल के बारे में जानें। तो हर मैटर किससे बना हुआ है? हर मैटर मॉलिक्यूल से बना है। हाँ, आप शुगर, सॉल्ट, सब किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कीवर्ड है कि ये इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब लोनली पाया जा सकता है। जबकि एटम के बारे में ये कहूं तो एटम इज एन इंडिविजिबल पार्ट। क्या? यस, एटम का मतलब ही होता है इंडिविजिबल। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे नॉट भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो सर ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम हो तो प्योर है। अब एक गैस का एग्जांपल लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ, ये गैस एक प्योर गैस है। हाँ भाई, इसमें कार्बन का एक एटम होगा, तभी तो फॉर्मूला है CO2। ये टू जो नीचे लिखा है, जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ये एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो सर मॉलिक्यूल कहाँ होता है? हाँ, अगर इसमें मॉलिक्यूल होता, अगर होता तो यहाँ आगे होता। यस, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ ताकि ये प्लेस ऑफ एटम तो सबस्क्रिप्ट में है, पर ये आगे आगे जो नंबर लिखा होता है यहाँ पर, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये होता आपका मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो एक मॉलिक्यूल माना जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना है एक एटम ऑफ कार्बन से, दो एटम ऑफ ऑक्सीजन से। समझ गए अब? अब नहीं भूलोगे। अब ये एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट इज सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिमिलर सब्सटेंस। हाँ, अगर आपके पास गोल्ड है फॉर एग्जांपल, हाँ भाई गोल्ड की आपके पास चेन है, रिंग है, कुछ भी गोल्ड का कोई भी सब्सटेंस है, हाँ उसको हैमर कर दो, तोड़ दो, हाँ हथौड़ी मार दो भाई खूब सारी, क्या होगा? सर ये तो फ्लैट हो जाएगा। हाँ, तुम कहोगे सर फ्लैट हो जाएगा, मैंने कहा मारते रहो उसको, क्या करो, एकदम फाइन पार्टिकल में ब्रेक कर दो, जब तक वो ब्रेक होता रहे। तो क्या होगा, सिल्वर बन जाएगा क्या? अरे भाई, कितना भी ब्रेक करोगे, डिकम्पोज करोगे, वह गोल्ड ही रहेगा, भली वो एक एटम ऑफ गोल्ड ही क्यों ना रहे। तो एलिमेंट वो सब्सटेंसेस हैं, हाँ वो फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको डिकम्पोज करने पर भी क्या होगा,
वो सेम रहेगा. इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टी, सेम करेक्टरिस्टिक थ्रू आउट. अब एक एटम तो मैंने बताया किसी सब्सटेंस में पाया जा भी सकता है और मे नॉट भी हो सकता है. तो कितने एटम एक साथ कंबाइन करें कि वो एक मॉलिक्यूल बन सके, अर्थात वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, तो इसे कहते हैं एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी में नंबर बताना बहुत ज़रूरी है. किसका? एटम का नंबर, कितने एटम जुड़ेंगे ताकि एक मॉलिक्यूल बन सके. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के, हाँ, एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हो सकता है एक ही एटम लगे. तो अगर आप कहेंगे सर एक ही एटम लगेगा, तो हम इसे कहेंगे मोनो. मोनो मतलब ही होता है क्या? ओनली वन एटम. तो जब सिर्फ एक अकेला एटम एक मॉलिक्यूल बन जाता है, हम इसे कहते हैं मोनोएटॉमिक. इसका एग्जांपल है सारी इनर्ट गैसेस, सारी नोबल गैसेस, चाहे हीलियम हो गए, नियॉन हो गए, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन. हाँ, आपको ध्यान होना चाहिए ये वो गैसेस हैं जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं. इसका एक एटम ही एक मॉलिक्यूल है, समझ गए? अब आता है, अगर नोबल गैस की एटॉमिसिटी वन है तो किसी और की भी है क्या? हाँ, कुछ मेटल्स भी हैं. कुछ मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी एटॉमिसिटी वन है. इसका मतलब ये अकेला ही, एक एटम ही एक मॉलिक्यूल है. कार्बन का भी एग्जांपल ऐसा ही है. अब आते हैं डाई एटॉमिक. डाई मतलब दो. तो जब जब डाई की बात होगी तो समझ जाइएगा कि इसके अंदर दो एटम्स होंगे जो जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनने वाले हैं. हाँ, जैसे हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन गैस बनानी होगी तो सिर्फ H से काम नहीं चलेगा. तो H बना किससे है? एक एटम ऑफ हाइड्रोजन अगर दूसरे एटम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है तो ये दोनों मिलकर के बन जाते हैं H2. समझ गए? तो दो एटम कंबाइन हुए, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बना, इसीलिए डाई एटॉमिक. सिमिलरली ऑक्सीजन पे भी आप कह सकते हैं, नाइट्रोजन पे भी ये रूल अप्लाई होता है. तो सर ट्राई क्या होता है? अरे भाई, तीन हो गए ना, ट्राई साइकिल है ना. हाँ, रिक्शा जो होती है शहरों में चलती है, ऑटो जो चल रहा है तीन पहिए वाला, तो ट्राई मतलब तीन, तीन एटम. तो अगर तीन एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो बन जाते हैं ट्राई एटॉमिक. ओजोन अच्छा एग्जाम्पल होगा. टेट्रा मतलब चार. ठीक है, तो अगर चार एटम जुड़ जाएंगे और चार एटम होंगे तभी एक मॉलिक्यूल बनेगा. एग्जाम्पल फॉस्फोरस P4. क्या इससे भी बड़ा है कोई? हाँ, इससे बड़े हैं पर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है. एक है ऑक्टा. ऑक्टा में एट, ऑक्टागन याद करो, एट साइडेड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड एज ऑक्टागन. तो आठ हो गए, समझ गए ना, आठ एटम होंगे. सल्फर इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है. तो क्या बताना चाहते हैं? मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसके पास इंडिपेंडेंट पाए जाने की क्षमता होती है, और मॉलिक्यूल में वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो उस एक एलिमेंट में होती है. ठीक है, डेल्टन ने, जी जॉन डेल्टन ने इन मॉलिक्यूल्स, इन एटम्स को अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. जैसे उन्होंने सर्कल बना दिया ऑक्सीजन के लिए, जैसे उन्होंने एक सर्कल विद डॉट बना दिया हाइड्रोजन के लिए. बट बाद में ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट था, हाँ, जो ये सिंबल बना करके रिप्रेजेंट करने वाला टेक्निक था, ये हटा दिया गया. इसको रिमूव किया किसने? बर्जीलियस ने. हाँ, एक महान साइंटिस्ट थे, बर मैं लिख रहा हूँ, बर्जीलियस. बर्जीलियस ने ये जो सिंबल थे इनको डेवलप किया. इन्होंने, बर्जीलियस जी ने क्या किया, इन्होंने बताया कि एक सिंबल हो सकता है, एक शॉर्ट फॉर्म हो सकता है जो एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा किसी एक एलिमेंट की. तो उन्होंने, यस, बर्जीलियस ने शुरू किया क्या करना, यस, सिंबल बनाना. जो डेल्टन ने टेक्निक लगाई थी वो पिक्टोग्राफिक्स टेक्निक थी, अर्थात डायग्राम बनाते थे, हर एक का एक फोटो होता था, इमेज होती थी, और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता था. तो इसको आसान बना दिया बर्जीलियस ने. उन्होंने एब्रीवेशंस यूज़ किए ताकि नाम ऑफ एलिमेंट पहचाना जा सके. अब कुछ एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे सल्फर का एग्जांपल.
अब सल्फर एक एलिमेंट है, इसका सिंबल है एस, तो नाम कहाँ से आ गया? आप कहेंगे सर सल्फर नाम से आ गया। उसी तरह से हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन का नाम हो गया एच, तो उनके नाम से ही यस उनका सिंबल उन्होंने डिसाइड कर लिया। पर सब में ऐसा यूज किया नहीं, जैसे सोडियम की एग्जांपल देता हूँ। अब सोडियम की तो स्पेलिंग एस से आ रही है, है ना, एस ओ डी आई यू एम है, पर इसका सिंबल क्या है? हाँ आप कहेंगे सर एन ए। हाँ भाई सोडियम का सिंबल है एन ए, एन कैपिटल और ए स्मॉल लेटर। क्यों? क्योंकि सिंबल सिर्फ, हाँ सिर्फ इंग्लिश नेम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इंग्लिश नेम है, लैटिन नेम उसका था नेट्रियम, तो एन ए यहाँ से ले लिया, समझ गया ना। तो लैटिन नेम भी क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज कर लेते हैं। आपको पता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या मुझे आप गोल्ड का लैटिन नेम बता सकते हैं? हाँ गोल्ड का लैटिन नेम मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके द्वारा दिए गए इस लैटिन नेम को। हाँ अगर आप मुझे गोल्ड का लैटिन नेम बताएंगे तो मैं यस मैं ये जान लूंगा कि आपको इसका सिंबल भी याद हो जाएगा, क्योंकि लैटिन नेम से, गोल्ड का सिंबल जी नहीं है, गोल्ड का सिंबल कुछ और है, तो आपको बताना है लैटिन नेम फॉर गोल्ड। चलिए सिंबल क्या रिप्रेजेंट्स करते हैं, अर्थात सिंबल का कोई इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है? तो जवाब है हाँ, सिंबल नेम बताता है, सिंबल बताता है कि उसकी एक एटम का यस क्या वैल्यू होती है, सिंबल उसका एटॉमिक मास भी बताता है। एक एग्जांपल से, नाइट्रोजन के एग्जांपल से समझते हैं, अगर एन कहीं लिखा है तो ये एलिमेंट नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर दो एटम कैसे रिप्रेजेंट होगा ये पूछ रहे हो, बड़ा आसान है एन टू लिख दो, तो ये जो नीचे लिखा है ना यस यही है एटम। एटम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबस्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, नीचे लिखना पड़ता है, और अगर आपने कहीं आगे लगा दिया, ध्यान से देखिए मैं आगे लिखने जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। इसका मतलब है ये दो मॉलिक्यूल हैं नाइट्रोजन के। अब ध्यान है मॉलिक्यूल कहाँ रहता है, मॉलिक्यूल आगे, यस आगे जो नंबर लिखा है इस सिंबल के वो मॉलिक्यूल है, और जो नीचे लिखा है, ये नीचे लिखा है, इसको हम सुपरस्क्रिप्ट को, सबस्क्रिप्ट को एटम के नाम से जानते हैं। क्लियर? और क्या बताता है सिंबल? बताता है उसका एटॉमिक मास क्या है। चलिए आइए अगले टर्म के बारे में जाने। मैंने पहले ही बता दिया ये चैप्टर बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है, इसके बिना आपकी केमिस्ट्री अधूरी है। ये हर क्लास के बच्चे, चाहे वो 10th हो, चाहे 11th हो, या इवन 12th हो, उनको भी ये चैप्टर भी देखना चाहिए था। हाँ ये बेसिक्स हैं, आपको हमेशा काम आएगा थ्रू आउट लाइफ, जब तक आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे वो 9th में पढ़ें, 10th में पढ़ें, 8th में पढ़ें, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज अ मेजर ऑफ कंबाइनिंग पावर। याद रखिएगा हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, स्टेबल कॉन्फिग्रेशन का बनाना चाहता है, और इसके लिए वो क्या करता है, आइदर गिव और टेक, लूज और गेन, या शेयर करता है। तो ये सब कुछ कौन कराता है, उसे वैलेंसी कराती है। ध्यान दीजिएगा वैलेंसी इज द मेजर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या ऑक्सीजन एटम्स। क्यों, इनको क्यों? क्योंकि इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दैट कैन कंबाइन विद इट। ध्यान दीजिएगा किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी लेस देन हाइड्रोजन नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1, यही है सबसे कॉमन और स्टैंडर्ड वैलेंसी। आइए आता है मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है वैलेंसी की, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज गेन और शेयर। याद रखिएगा लूज करने वाला, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आगे मैं आपसे पूछूंगा अभी आपके बारे में, जो लूज करने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है। ठीक सुना आपने, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और पॉजिटिव, याद रखिएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटलिक होते हैं या बेसिक मेटलिक रेडिकल होता है इनका। ठीक है, बेसिक करेक्टर होता है इनका, लिख दिया मैंने मेटलिक, याद रखेंगे। तो इसका मतलब गेन करने वाले, हाँ जो भाई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, माइनस चार्ज गेन करेगा, आपको तो जानते ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रो, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा ई एल ई सी, इलेक्ट्रो और सिंबल बना दिया माइनस, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा
और इसे हम कहेंगे क्या, नॉन मेटेलिक। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, नॉन मेटेलिक, ये बहुत काम आने वाली चीज है, प्लीज डू नॉट इग्नोर माय वर्ड्स। तो ये नॉन मेटेलिक होंगे और हम इसे कह सकते हैं एसिडिक रेडिकल या एसिड रेडिकल्स। ध्यान दीजिएगा, अभी इन सब की बहुत सारी आपको जरूरत पड़ने वाली है। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन भी होता है एक एटम में, एक एटम में न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और हर एटम जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो उनके नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो कि शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, कहाँ, न्यूक्लियस में होता है, और इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज। सर ये तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, हमें पता है, हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ईजी है, कॉमन है, पर आपको लाइफ लॉन्ग नहीं भूलने देने वाला चैप्टर है, और आप भी मेरी बात को मत भूलिएगा। तो एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया आउटर मोस्ट शेल में, यस, आउटर मोस्ट शेल में अगर पाया जाएगा उसी इलेक्ट्रॉन को कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल बोला, उसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, मैं भी आपको एक एग्जांपल से ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ, क्या बोला मैंने, क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ, कंटेन्स तीनों चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन का एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सर आयन क्या होता है, हाँ, आयन, आयन पॉजिटिव या नेगेटिव जो चार्ज मिल जाता है जब एटम को, तो ये आयन बन जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है पर लूज करने पर पॉजिटिव, बताया था मैंने अभी, गेन करने पर इलेक्ट्रॉन वही नेगेटिव बन जाता है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव बन सकता है। ध्यान देने लायक बात क्या है जो आपको बहुत काम आने वाली है, जिस एलिमेंट के लास्ट शेल में, जिसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल, दो नाम बोल दिया, लास्ट शेल में अगर वन टू या थ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो समझ जाइए वो मेटल ही होगा, ठीक है। क्यों, ऐसा कैसे पहचाने कि 1 2 3 मेटल ही होगा लास्ट शेल में, अगर लास्ट शेल में, शेल डायग्राम में याद रखिएगा, सबसे लास्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटल होगा। क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, अपने इस 1 2 3 को वो लूज कर देते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स 4 हो सकते हैं, लास्ट शेल में 4 होने में डाउटफुल होता है। कार्बन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉन मेटल के रूप में, जिनमें 4 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होते हैं, कार्बन नॉन मेटल है। कुछ और भी हैं, सिलिकॉन और जर्मीनियम भी हैं, पर इनमें मेटलॉइड की प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी इसमें नॉन मेटल की होती है और रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इसमें मेटल की, हाँ, दोनों का कंबाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब है लास्ट शेल में 5 हुआ 6 हुआ 7 इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या कहलाएगा, तब इसको नॉन मेटल कहेंगे। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल से ड्रॉ करके भी यहाँ दिखा देता हूँ, इस स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ कि सोडियम, ये रहा, देखिए सोडियम का सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। तो मैंने बताया जो नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर है, यही इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर है, यही इसके प्रोटॉन का नंबर है, ध्यान है, यही एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा होता है ये होता है मास नंबर, ठीक है। मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, मास नंबर याद रखिएगा हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, एलिमेंट के सिंबल में ऊपर मिलेगा, तो मास नंबर्स में अगर इस एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएगा, जो कि आपके केस में क्या होगा, आपके केस में न्यूट्रॉन होगा 12। कैसे आया, बताओ, अरे भाई अभी तो बताया, मास नंबर 23 माइनस 11, सो आपका जवाब होगा 12। तो 12 है आपका इसका आंसर, ठीक है। अब आता है इसका सिंबल, आप समझ गए, शेल डायग्राम आइए देखिए, सबसे बीच में होंगे इसके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपको मिलेगा प्रोटॉन, न्यूक्लियस में मिलेगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हमारे केस में है 11, ठीक है, और न्यूट्रॉन है 12, ठीक है, मैं न्यूट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ, आगे
अब आता है शेल डायग्राम। तो शेल डायग्राम में आपको पहली शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आप दो बना सकते हैं, दो से अधिक नहीं हो सकता। पहली शेल है के, और आपको मालूम ही है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे इसमें। तो पहली शेल में बना दिया मैंने दो इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से। सेकेंड शेल देखिए, सेकेंड शेल के बाद कौन सी शेल आती है, हाँ के बाद कौन सा आता है नंबर, के बाद एल। तो के एल आप 1 2 3 भी देख सकते हैं, इसका नंबर हो सकता है। तो एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते समय भी क्या करा करिए, अपोजिटली ड्रॉ करा करिए, हाँ अपोजिटली मतलब आमने सामने, ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिखा एकदम अपोजिट। तो पहली शेल के शेल में दो बनाया, उसके बाद मैंने बनाया 8, तो 2 हो गए, 8 हो गया, कितने हो गए 10 हो गए, पर आपको तो 11 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, है ना, इस 11 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो इसके पास एक शेल की और ज़रूरत पड़ेगी। शेल क्या होता है, शेल एक्चुअली एनर्जी लेवल्स होती है, क्या होती है, एनर्जी लेवल होती है। जो नील बोर थे, हाँ जिन्होंने बोर बरी मॉडल दिया, उन्होंने इसके बारे में बताया कि हर एक शेल का अपना एक अलग एनर्जी लेवल है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स अपने ही पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में सर्कल करते रहते हैं। तो के एल एंड लास्ट एम, एम में बचेगा एक ही इलेक्ट्रॉन। एक क्यों बचेगा, आप समझ गए, क्योंकि आपके पास टोटल कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन आ गए, 11। तो आपने देखा आपकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 1। तो जिसमें लास्ट शेल में 1, ध्यान दीजिए लास्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाइए ये एक मेटल है, मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, हाँ मेटल, हम इसको बेसिक रेडिकल के नाम से भी जानेंगे, अभी हम बताएंगे इनके बारे में। क्या कैसे पता चला 1 है, तो मैंने कहा लास्ट शेल देख लीजिए, ये हमारी लास्ट शेल है एम शेल, जिसको हम पेनल्टीमेट शेल, फाइनल शेल कह सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है, है ना, और इसकी वजह से लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी इसकी 1 है। अब तो समझ गए, क्या कहते हैं, लास्ट शेल में 6 7 5 6 7 होगा तो वो नॉन मेटल ही होगा। आइए, कभी कभी किसी किसी एलिमेंट्स में दो भी वैलेंसीज हो सकती हैं, हाँ एक से अधिक वैलेंसी भी कुछ एलिमेंट शो करते हैं, सब नहीं कुछ ही एलिमेंट शो करते हैं, हाँ तो इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। एग्जांपल क्यूप्रस, क्यूप्रस की वैलेंसी 1 और क्यूप्रिक की वैलेंसी 2। ये क्यूप्रस क्या है, अरे भाई कॉपर है, कॉपर Cu+1 और दूसरा Cu2+, ठीक है, तो ये प्लस ऊपर साइन इंडिकेट करता है इसकी वैलेंसी, ठीक है, और प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये मेटल है, ध्यान दीजिए मेरी बात को, प्लस साइन इंडिकेट वैलेंसी कर रहा है और बता रहा है ये मेटल है, इसका मतलब समझ गए। मैं नॉन मेटल भी दिखा दूं आपको, नॉन मेटल दिखा देता हूं आपको, जैसे O2-, हाँ ये क्या है, अरे भाई ये है एक नॉन मेटल, नॉन मेटल में माइनस साइन कहाँ से आया सर आपके पास, हाँ ये पूछेंगे, तो मैंने बताया था नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज होता है, तो जो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव ना बोलोगे उसको, समझ गए। अब क्वेश्चन आता है सर ये दो दो वैलेंसी क्यों होती है इनके पास, सर एक से अधिक दो वैलेंसी क्यों आ जाती है, कहाँ से आती है सर इनके पास, तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं इनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इनकी लास्ट शेल भी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रॉन्स पेन अल्टीमेट शेल अर्थात सेकेंड लास्ट शेल, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, लास्ट शेल से भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और सेकेंड लास्ट शेल से भी लूज करते हैं, तो इसीलिए एक से अधिक वैलेंसी हो जाती है, समझ गए, वेरिएबल वैलेंसी हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा OUS लगता है अगर किसी एलिमेंट में, तो जिनमें वैलेंसीज कम होती है उसमें OUS, जैसे क्यूप्रस में देखिए OUS लगा है इसमें आखिरी में, ध्यान दीजिए तो इसकी वैलेंसी 1 है, जबकि जिसमें एक लगा हुआ है लास्ट में, सफिक्स में एक लगा हुआ है, एक मतलब IC,
तो वो हायर वैलेंसी होगा। एक और एग्जांपल दूं, हाँ, फेरस और फेरिक। जो फेरस है वो एक्चुअली आयरन का ही लैटिन नेम है फेरस, तो फेरस में वैलेंसी 2 है, हाँ फेरस की वैलेंसी 2 है, जबकि फेरिक की वैलेंसी 3 है। तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आपके पास चॉइसेस कम है, कुछ चीज़ें आपको क्या करना है लाइफ टाइम के लिए याद करनी है, उनमें से ये भी चीज़ें हैं। क्या? वैलेंसीज। लाइफ टाइम के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जब जब केमिस्ट्री रहेगी, एलिमेंट्स रहेगा, और एलिमेंट्स की वैलेंसी के बिना आप इसका फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। आइए अभी मैं सिखाऊंगा कैसे आप फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, बशर्ते आपको क्या आनी चाहिए, वैलेंसीज आनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करके बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और हम जब सिंबल के रूप में किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं उसी का नाम होता है फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे भाई, हाइड्रोजन को आप H2 लिखते हो ना, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हो O2, नाइट्रोजन के लिए N2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ये कई सारी गैसेस मैंने नाम लिख दिया इसको, तो ये क्या है, यही है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला क्या शो करता है, ये एक सिंबल होता है जिससे उसके एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ कंपाउंड का पता चलता है। कुछ एलिमेंट्स मैंने बताया था मे कंटेन वन और मोर एटम्स, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया मैंने, हाइड्रोजन जब भी पाया जाएगा तो H2 के रूप में पाया जाएगा, H के रूप में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इट कंटेन्स 2 एटम्स। दिखा था ना एटम्स कहाँ लिखते हैं, मैंने बताया था ना सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, कहाँ, नीचे लिखने को कहते हैं सबस्क्रिप्ट में लिखना। अब ये रेडिकल क्या चीज़ होती है, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड जिसमें दो या दो से अधिक पार्ट्स हो सकते हैं, हाँ दो पार्ट हो सकते हैं, इन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं। कहाँ सर, आइए एग्जांपल दिखाता हूँ, मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड की बात करो, पोटेशियम और क्लोरीन दो चीज़ें हैं, इसमें पोटेशियम भी है एक रेडिकल, दूसरा क्लोरीन। सिमिलरली रेडिकल की अगर सिंपल डेफिनेशन जानना चाहें तो क्या है, तो रेडिकल एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। ध्यान देने लायक बात क्या है, ग्रुप ऑफ एटम जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बट याद रखिएगा ये सब एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। एग्जांपल दूं अभी एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल में इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पूरे हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ एटम का एग्जांपल हो जाएगा अमोनिया, हाँ NH3-, ये पूरा ही, यस NH3, मैं 3 नीचे लिख रहा हूँ, और माइनस क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है नेगेटिव चार्ज। और एटम का अभी मैंने दिखाया था, ऑक्सीजन का दिखा दिया, 2- हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं, आपके पास सिंपल रेडिकल होगा तो उसमें एक ही एटम होंगे, जैसे सोडियम Na+। देखिए कंपाउंड रेडिकल होगा तो एक से अधिक, जब तक टू या टू और मोर डिफरेंट टाइप के एटम से बना है, जिसीलिए हमको कहते हैं इसको पॉली, पॉली मतलब मैनी, जैसे सल्फर, सल्फेट, हाँ सल्फेट किससे बना हुआ है, देखिए SO4 ऊपर जो लगा है 2-, हाँ माइनस है, नहीं दिख रहा होगा आपको, मैंने लगा दिया, तो इसमें एक सल्फर है, ध्यान दीजिए S एक है अकेला, सल्फर एक एटम है, जबकि O के लिए 4 है, 4 S के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा S के लिए कोई नंबर नहीं था तो इसलिए मैंने 1 पढ़ा, और O के लिए क्लियरली लिखा हुआ है नीचे 4, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन कितना है, 4 एटम है, समझ गया ना। और ये ऊपर जो लिखा है ये क्या है, ये जो सुपरस्क्रिप्ट में दिखा रहा है ये क्या है, ये इसकी वैलेंसी है, जो पावर में आप देख रहे हैं यही इसकी वैलेंसी है, ये आपको याद करनी है। हाँ, इस टेबल को प्लीज़ बाय लंग, बाय किडनी, बाय हार्ट, भाई अगर हार्ट आपने हार्ट किसी और को दे दिया है, हाँ मतलब दिल किसी और को दे दिया है, तो प्लीज़ बाय किडनी कर लो, पर करना ज़रूरी है, ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको वो करने के, चलो जोक्स अपार्ट सीरियसली आपको ये करना चाहिए। तो ये है हमारे बेसिक रेडिकल्स, अर्थात पॉजिटिव आयन्स, यथार्थ मेटेलिक आयन्स, आप मेटेलिक भी याद कर सकते हैं इसका नाम, ठीक है।
मेटेलिक आयंस में स्टार्ट करिए पहले मोनोएटॉमिक्स मोनोवेलेंट से, अर्थात इन सब की वैलेंसी आपको वन दिखेगी। मोनो मतलब ही वन होता है, ध्यान दीजिए, ये आपको याद होना ही चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं है आपका। देख लीजिए, अमोनियम पॉजिटिव है, अमोनिया नहीं, अमोनियम, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, क्यूप्रस, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास पॉजिटिव आयन है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना। सिमिलरली डाइवेलेंट देख लीजिए, दो, यस, जैसे ही डाई वर्ड आ जाएगा तो डाई मतलब टू होता है, सब की वैलेंसी टू होगी। हाँ मोनो में मैंने बताया वन, तो इसमें टू, तो ट्राइवेलेंट की वैलेंसी क्या होगी, थ्री। सब के पावर में देखिए, आप दिखाई दे रहा है आपको थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस, चाहे वो एल्यूमिनियम है, चाहे आर्सनिक है, चाहे बिस्मत है, क्रोमियम भी आप देख सकते हैं, फोर वाला भी है हमारे पास, हाँ फोर वाला भी है। और फोर वैलेंसी वाले कौन है, लेड, प्लेटिनम या टिन। चलिए आपको मेटेलिक तो करा दिया, नॉन मेटेलिक भी करा दें, जिसको हम नेगेटिव आयंस कहते हैं, जिनको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं, हाँ कई नाम है, ये नॉन मेटेलिक नेचर के हैं, पहचान है इसकी नेगेटिव साइन। हाँ कुछ एग्जांपल, हाँ एसिटिक, थोड़ा टिपिकल नाम आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं अभी स्टार्टिंग में, कॉमन नाम बहुत जो आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बायकार्बोनेट, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, कितनी है वैलेंसी, वन। देखिए मोनोवेलेंट है, वैलेंसी वन, इसीलिए सिंपली माइनस साइन है। या इसमें आता है ब्रोमाइड, क्लोराइड, देखिए वन 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 वन, पर मैग्नेट MnO4 वन, फ्लोरीन वन, हाइड्रोजन के लिए हाइड्राइड वन, OH दैट इज हाइड्रोक्साइड वन। देखा, एक दो और कर लेते हैं, नाइट्रेट वन, नाइट्राइट वन, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आप क्या करोगे, फॉर्मूला अपना नहीं बना पाओगे। अब डाइवेलेंट को देख लेते हैं, जिसमें वैलेंसी टू आने वाली है, टू वैलेंसी वाला कार्बोनेट CO3। देखिए जो ऊपर है वैलेंसी टू, ये याद करना है, ठीक है। हाँ डायक्रोमेट Cr2O7, उसी तरह से ऑक्साइड सिंपली O, पर ऑक्साइड O2, सल्फेट बहुत कॉमन है SO4, हाँ सल्फाइड बहुत कॉमन है S, वैलेंसी टू। चलिए आइए इधर आ जाइए, इधर क्या हो जाएगा, नाइट्राइड बहुत कॉमन है, और कॉमन कौन सा है इसमें, थ्री में फॉस्फेट कॉमन है। मैंने कॉमन कॉमन आपको बताने की कोशिश की ताकि आप उसको जल्दी याद कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे कार्बाइड बहुत कॉमन है, वैलेंसी है फोर, टेट्रा वैलेंसी मतलब वैलेंसी है चार। आइए कैसे लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला, तो मेथड का नाम बता रहा हूँ, क्रिस क्रॉस मेथड। आइए इस मेथड को यहाँ जो लिखा है मैं इसको करके दिखाऊँ। फॉर एग्जांपल, हाँ मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे बनाना है एक कंपाउंड, नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है मुझे बनाना है सोडियम कार्बोनेट। सर कैसे बनेगा, नाम की स्पेलिंग तो लिख सकते हैं पर इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आइए यही टेक्निक सिखाने वाले हैं कि कैसे बनाएंगे हम सोडियम कार्बोनेट। यहाँ बनाता हूँ, तो सोडियम की वैलेंसी आनी चाहिए आपको सबसे पहले, तो सोडियम की वैलेंसी है प्लस वन लिखा है तो मतलब वन है सिर्फ, ठीक है। और कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3, ध्यान दीजिएगा हमेशा पॉजिटिव, अर्थात जो आपने पहले पढ़ा आपने मेटेलिक रेडिकल हमेशा आगे होगा, ठीक है, पॉजिटिव हमेशा आगे रहेगा, नेगेटिव आगे कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और नेगेटिव आयन देखिए ये टू माइनस, तो आपको करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले मुझे दोनों की वैलेंसी आनी चाहिए, मैंने लिख दिया सोडियम की वैलेंसी, देखिए ऊपर लिखा मैंने वन, ये रही ऊपर, और यहाँ पे लिख दिया कार्बोनेट की वैलेंसी टू माइनस। क्या करना होता है, देखना होता है क्या ये वैलेंसीज सिंप्लीफाई हो रही हैं, सिंप्लीफाई मतलब आपस में क्या कॉमन फैक्टर है उसमें कुछ, तो मेरे केस में तो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ वन है और यहाँ पे टू है, कोई कॉमन नहीं है, बस आप क्रिस क्रॉस कर दो उसको, हाँ ये इधर भेज दो टू और वन यहाँ भेज दो, कुछ नहीं है तो वन यहाँ भेज दो, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा Na2, टू इसका क्या बन गया, एटम बन गया,
और CO3 एज इट इज रह जाएगा क्योंकि बाहर से यस यहाँ से जो क्रॉस होके आ रहा है वन आ रहा है, वन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है सिंबल ऑफ ये है फॉर्मूला फॉर केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट। आसान है, एक और एग्जांपल देता हूँ। चलिए हमें बनाना है अब कैल्शियम कार्बोनेट, तो मुझे दोनों की चलो कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बोनेट नहीं ऑक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है। मुझे ये इसका मुझे केमिकल फॉर्मूला बनाना है, बहुत आसान है। पहले तो कैल्शियम का आपको वैलेंसी आना चाहिए, तो कैल्शियम की वैलेंसी है 2+ ठीक है। प्लस मैंने हमेशा बताया मेटल होता है पॉजिटिव आयन होता है, हमेशा पहले रहेगा ऑक्सीजन की दैट इज ऑक्साइड की, तो O हाँ 2-। अब क्या देखना होता है, आपने जब वैलेंसी लिख दी पहले ऊपर ऊपर है ना सुपरस्क्रिप्ट वैलेंसी लिख दी, अब देखिए क्या दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, अर्थात क्या दोनों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या। हाँ मुझे दिख रहा है दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, दोनों 2 से क्या हो रहे हैं यस कट सकते हैं, हाँ सिंप्लीफाई होते हैं तो कट कर दो, 2 1 जा 2 1 जा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaO, क्योंकि 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, यहाँ 1 यहाँ आएगा और इसका भी 1 यहाँ आ जाएगा क्योंकि 2 2 कैंसिल हो गया है, तो ये CaO बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। समझ गए, आइए नेमिंग ऑफ सर्टन कंपाउंड्स। तो कभी भी जब आप किसी कंपाउंड को लिख रहे होते हैं तो मेटेलिक मतलब मेटल आयन आगे नॉन मेटल पीछे, ध्यान दीजिएगा जो नॉन मेटल वाला पार्ट है ठीक है ना उसके नाम के आगे आइड लग जाता है, क्या लग जाता है आइड, जैसे कैल्शियम और नाइट्रोजन, तो कैल्शियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन नहीं लिखा नाइट्राइड बन गया। हाँ ये फॉर्मूला मैं थोड़ा ठीक करके लिख दूँ कैसे बना होगा, CA, हाँ ये थोड़ा सा सिंबल मैं भी ठीक कर देता हूँ, CA की वैलेंसी 2+ अभी दिखाया था, नाइट्रोजन यस नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3-, तो क्रिस क्रॉस करिए भूलिए मत, मेथड का नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। तो फॉर्मूला क्या बन गया, CA3 और N2, अब नहीं भूलोगे लाइफ टाइम में, ये मेरा वादा है। हाँ, बन गया ना कैल्शियम नाइट्राइड, नाइट्राइड क्यों देखा एन नाइट्रोजन लिखा था, मैंने कहा था नॉन मेटलिक पाथ में IDE जुड़ जाता है। हाँ अगर 2 नॉन मेटल होंगे और किसी में ट्राई टेट्रा या पेंटा लगाना होगा, जैसे कि फॉस्फोरस में Cl3 लगा है, 3 देखते ही क्या लगा देंगे ट्राई क्लोराइड लगा देंगे। अब देखिए Cl के आगे क्या लगा है, 5 लगा है, 5 लगा है तो पेंटा हो गया, सिंपल है। अगर 2 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन है साथ में यस ऑक्सीजन को हमेशा एंड ऑफ द फॉर्मूला में लिखेंगे, कहाँ पर एंड ऑफ द फॉर्मूला में ठीक है, जैसे H2O ऑक्सीजन एंड में लगाया ना, हाँ अरे वाटर है भाई ये हाइड्रोजन जिसको कहते हैं ना डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाँ ये है आपका वाटर। नेमिंग ऑफ एसिड्स, एसिड्स अगर 2 मेटल 2 एलिमेंट्स मिलके बने हैं तो पहला एलिमेंट हाइड्रो और दूसरा एलिमेंट के आगे एक, जैसे पहला एलिमेंट है हाइड्रो ये रहा और दूसरा है क्लोरीन, तो हाइड्रो क्लोरीन के लिए क्या बन गया क्लोरिक, बताया था ना एक लगना जरूरी है एसिड के नामों में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिमिलरली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अच्छा कुछ ऐसे नाम होते हैं जहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं, जिसको हम लोग कई बार कॉमन नेम्स के नाम से जानते हैं, हाँ जहाँ पे कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, ये सब सिस्टम नहीं चलता है। अब अमोनिया की बात करता हूँ, देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, सर ये तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, हाँ इसका एक्चुअली में केमिकल नाम क्या होगा, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, सच में N से नाइट्रोजन हो गया और H3 है तो ट्राई हो गया हाइड्राइड, IDE मैंने बताया था नॉन मेटल के आखिरी में IDE लगता है, तो गलत तो नाम नहीं है, तो केमिकल नाम में यस केमिकल नाम आप समझ गए होंगे, केमिकल नाम में आप केमिकल का इस्तेमाल करें जबकि ट्राइबल नाम में कुछ भी कॉमन नाम हो सकता है, कोई रूल अप्लाई नहीं होता। आइए केमिकल फॉर्मूला बनाने आ गया तो केमिकल इक्वेशन भी आनी चाहिए, तो केमिकल इक्वेशन का
मतलब क्या है, ये एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी केमिकल रिएक्शन को। अर्थात हम कोई रिएक्शन बताना चाहते हैं और उसको प्रूव करना चाहते हैं सिंबल से, यस, तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। हम इसमें सिंबल और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा एग्जांपल होगा कोयल को, यस, कोयले को जलाना, ये रहा कोयला, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों को हीट किया, ये रहा एरो दिखा रहे हैं, एरो, और ऊपर लिखा है हीट। हीट के लिए सिंबल भी लगा सकते हैं ट्राइंगल वाला, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, ये रहा कार्बन सी प्लस ओ टू गिव्स, दैट मीन्स दे कंबाइन, दे ऑन हीटिंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू। तो हमने सिंबॉलिक तरीके से क्या कर दिया, एक रिएक्शन शो किया, है ना। तो रिएक्शन में जो लेफ्ट में लिखे हैं आपके, हाँ, इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो होते हैं केमिकल्स जो आपस में रिएक्ट करते हैं, सिंपल, नाम से पता चल रहा है, इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो चीजें पैदा हो रही हैं, रिजल्ट निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इनको कहेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर कुछ तो बनेंगे, कुछ तो चीजें फॉर्म करेंगे, वो उसका नाम है प्रोडक्ट। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें बैलेंसिंग ना की गई हो, इक्वेशन तो है पर बैलेंस नहीं है, इसका मतलब है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन दी प्रोडक्ट साइड एंड दी रिएक्टेंट साइड्स आर नॉट इक्वल। आइए आपको साबित भी कर देते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें पहले पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम एक है, यहाँ भी एक है, नाइट्रोजन एक है, यहाँ भी एक है, पर ऑक्सीजन फोर है। देखिए इस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन चार है, जबकि वहाँ पे प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितनी है, तीन, यहाँ पर ऑक्सीजन है तीन। तो क्या कहना चाहते हैं, दोनों इक्वल है क्या, नहीं। इसी रिएक्शन को कहेंगे स्केलेटन या माशन बोले अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये इक्वेशन सही मानी जाती है, तो ये बताती है कि आपने कहीं ना कहीं क्या किया, बैलेंसिंग की जरूरत है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। इसीलिए बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन क्या कहता है, एलिमेंट्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे ओनली चेंज देयर शेप। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम्स हैं इस एलिमेंट के रिएक्टेंट के साइड में अर्थात लेफ्ट साइड में, उतने ही सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए राइट साइड में। आओ इसको चेक करो, चलो चेक करते हैं। मेरा रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट और मेरे पास जो प्रोडक्ट दो हैं, प्रोडक्ट दो कौन से हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलो मिला लेते हैं, कैल्शियम कितना है एक, यहाँ भी कैल्शियम है एक, कार्बन कितना है एक, यहाँ पे कार्बन कितना है एक, यहाँ पे ऑक्सीजन है थ्री एटम, यहाँ पे एक प्लस ये दो, तो एक और दो तीन, टैली हो गया, यही है बैलेंस रिएक्शन। चलो क्या बताती है बैलेंस रिएक्शन, क्यों जरूरी है बैलेंस रिएक्शन। देखिए बैलेंस रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि जो केमिकल चेंज में एक्चुअल रिजल्ट है वो पता चल पाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का पता चल पाता है, क्योंकि बैलेंस नहीं होने से आपको डाउटफुल हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी पता चलता है। सर इसमें तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, अरे भाई मॉलिक्यूल आगे होता है ना, जैसे CaO लिखा है और आगे लिख दिया आपने 2, तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आइए कुछ कमियां हैं क्या, हाँ, बैलेंस होने के बाद भी रिएक्शन बहुत सारी चीजें नहीं बताती है कि फिजिकल स्टेट क्या है, हाँ, मतलब वो रिएक्शन में जो सब्सटेंस हैं वो कैसे स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, कितना टाइम लगा, क्या हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, और उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, या इवन रेट ऑफ रिएक्शन कितना तेज है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ये सब नहीं बताता है एक केमिकल इक्वेशन। तो आजकल क्या किया गया है,
आजकल केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बना दिया गया है और इसमें नए नए सिंबल्स ऐड कर दिए, नए नए, जैसे एरो, ये एरो सिंबल यूज़ करना पड़ता है, इसके साथ में टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट लिख देते हैं इसी के ठीक ऊपर, इस एरो के ऊपर, ठीक है ना, जिसको हम गिब्स का एरो भी कह सकते हैं, गिब्स। द रिएक्शन अगर रिवर्सिबल होगा तो ये निशान लगा देंगे, देखिए एरो, देखिए कैसा लगाया, हाँ रिवर्सिबल, ऐसा और ऐसा, दैट मीन्स अ रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज अ बैकवर्ड डायरेक्शन। हीटिंग के सिंबल शो करने के लिए ये डेल्टा का साइन बना देंगे, और फिजिकल स्टेट, जैसे कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसमें एस लगा देंगे, लिक्विड है तो एल लगा देंगे, गैस है, हाँ गैस है तो जी लगा देंगे, ठीक है, और अपवर्ड के लिए, यस मूव अपवर्ड करने के लिए एरो अप लगा देंगे, ठीक है। अगर कोई सोल्यूशन इन वाटर है तो एक ही एक्वस का पहचान लगा देंगे। चलिए रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम इतने छोटे होते हैं कि खुली आंखों से तो दिखते नहीं है, वेट करेंगे कहाँ से, कोई तराजू है ऐसा जिसको एटम से वेट करने काम आ सकता है, जवाब है नहीं। तो इनडायरेक्ट मेथड से वेट कर सकते हैं, और उसके लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, हाँ सबसे हल्के एटम का, जिसके तुलना की जा सकी, जो है हाइड्रोजन, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का वेट याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, या कार्बन, कार्बन को सबसे स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक है ना, कार्बन एक बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड है, जिससे सारे वेट्स को मेजर किया जा सकता है। रिलेटिव मॉलिकुलर, सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, मतलब किसी के वेट को अगर कंपेयर करें किससे, कार्बन से, 1/12, ये 12 कार्बन है याद रखिएगा, 1/12 द मास ऑफ द कार्बन, तो उसका एटॉमिक मास जो आएगा वो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा, समझ गए, फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये रहा फॉर्मूला, उसी एटम का जिसका मास निकालना है, उसका वन एटॉमिक ऊपर अपॉन 1/12। चलो रिलेटिव एटॉमिक के मास के आगे बड़ा क्या होगा, उसका मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास के लिए पूरे मॉलिक्यूल का मास ले लेंगे आप, किसका, उसके वन मॉलिक्यूल का। जैसे मुझसे पूछोगे ऑक्सीजन की बात पूछोगे, तो मैं आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताऊंगा 16 है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एटॉमिक मास 16 है, पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना होता है O2 से, दैट मींस ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक गैस है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि जब तक 2 नहीं होगा तब तक इसका एक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, इसके वन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, हाँ डाई एटॉमिक पढ़ा था ना पीछे, तो इसमें 2 चाहिए होता है। तो अब मुझसे पूछोगे सर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो मैं बोलूंगा 16 × 2, ठीक, 16 इसका एटॉमिक वेट होता है, और इंटू 2 करेंगे 32, क्लियर, अब समझ गए मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन और एटॉमिक मास, ये रहा एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, याद रखोगे अब। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है सर, किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला, एक एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, H2O2, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो इससे सिंपल नहीं बनेगा HO, और देखना चाहते हो, आइए एक और दिखाते हैं, C3H6O3, ये एक कंपाउंड है, हाँ ये एक हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है, इसका ये तो मॉलिकुलर फॉर्मूला है, क्या है ये, मॉलिकुलर फॉर्मूला है इसका, ठीक है, इस मॉलिकुलर फॉर्मूले को सिंपल हम बना सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये दिखा रहा है इसमें, सिंप्लीफाई कर दूं, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2 और O, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने ये पूरा चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मेरे साथ, यस सर तरुण रूपानी के साथ फिनिश कर दिया है, थैंक यू फॉर बीइंग थ्रू आउट द लेसन, और लेसन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो एक लाइक प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी प्लीज 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 शेयर करो, क्योंकि राइजिंग स्टार आप हो मेरे, और अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो सोचिए और कंटेंट मैं कैसे बनाऊंगा, तो प्लीज थोड़ा सा हेल्प करिए, सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भेजिए, क्योंकि अगर आप होंगे यस अधिक से अधिक संख्या में, यस सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, मुझे मुझे एनकरेज करने के लिए, तो मैं आपके लिए और कंटेंट भी बनाता रहूंगा, बट प्लीज 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 मेक श्योर दैट इट स्प्रेड्स टू द मैक्सिमम एंड हेल्प टू द
मैक्सिमम ICSE स्टूडेंट्स. थैंक यू एंड रियली रियली गॉड ब्लेस यू. बाय फ्रॉम नाउ.